चंदेरी थाना प्रभारी संजीव तिवारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है, जिसमें SI रवि कौशल, आरक्षक हरी सिंह बागड़ी, आरक्षक गजेंद्र सिंह और हुकुम सिंह, आरक्षक नीरज तिवारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। अशोकनगर जिले के तहसील चंदेरी के अंतर्गत आरोपी भीकम पन्ना लाल निवासी नई बस्ती टोड़ा को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खेतों में घेर कर पकड़ा है। आरोपी 6 माह पूर्व से फरार चल रहा था, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत द्वारा 5,000 के इनाम की घोषणा भी की गई थी, जिसे चंदेरी थाना प्रभारी संजीव तिवारी के नेतृत्व में टीम ने नई बस्ती टोड़ा से धर दबोचा। आरोपी भीकम पर चंदेरी थाने में अपराध क्रमांक 98/19, धारा 307, 147, 14, 8, 149, 341, 427, 506, 294, 325 IPC की धारा के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। चंदेरी थाना प्रभारी संजीव तिवारी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर टीम गठित की गई है। टीम गठित कर समय रहते हुए सूचना मिली आरोपी टोडा गांव में छिपा हुआ है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को घेर कर खेत में दबोच लिया, जिस पर कई धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। फरार आरोपी गिरफ्तारी में टीम में मेरे साथ आरक्षक प्रधान आरक्षक हरी सिंह बागड़ी, आरक्षक गजेंद्र सिंह, आरक्षक हुकुम सिंह, आरक्षक नीरज तिवारी की विशेष भूमिका रही है। क्या बजे